अब ध्यान से सुनना, डिजाइन रजिस्ट्रेशन इज पेंडिंग, मतलब कि स्टील बर्ड ने, मतलब ये देखो इसके यहाँ पे जो हुक है ना दोस्तों, ये 4 दिन में ढीले भी हो गए हैं। कब वाइजर देखो भाई, बहुत लाइट वाइजर है, क्या प्रोटेक्शन, पूरा बस्ता है भाई हेलमेट। ये देखो कोई ये लेना है या नहीं लेना है वाइस, तो भाई ये बहुत बहुत बढ़िया है। लुक दिखाऊं तो भाई देखो ऐसी सी कुछ लुक है, तो देख सकते हो दोस्तों लुक लुक कैसी है, और ऐसी सी कुछ लुक है जो कि है ये एक स्लिप अप हेलमेट है। और ये जो पैडिंग है ना दोस्तों, ये रिमूवल पैडिंग है, इस हेलमेट के साथ क्या अच्छा नहीं है। तो भाई अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो, मोटो व्लॉगिंग के लिए लेना चाहते हो स्पेशली, तो सबसे बड़ा जो इशू मुझे लगता है इसके साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस हेलमेट के बारे में, क्योंकि भाई हमने इसको यूज करा एंड उसके बाद जो मुझे फीडबैक लगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। एंड बहुत सारे लोग इससे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हो सकते हैं, बट यस दोस्तों, नो स्पॉन्सर वीडियो, जो भी है मैंने अपने पैसे से खरीदा है। एंड व्हाट आई फील, आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब कराया तो किसी ट्रस्ट के साथ कराए, तो जो भी सच्चाई होगी उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो हेलमेट है ना, बहुत वायरल चल रहा है, लोग इसको लेने के लिए भाई पागल हो रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है वेबसाइट पर, कोई भी अमेजोन फ्लिपकार्ट इवन स्टीलवर्ल्ड की वेबसाइट पर जो है ये आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। तो वो भी बात करेंगे कि आप कैसे ले सकते हो, कहाँ से ले सकते हो, और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, अब ध्यान से सुनना, तो आप समझ ही सकते हो, बाकी एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एंड रिसेंटली मैंने इसको वृंदावन की राइड पे यूज़ करा था, यमुना एक्सप्रेस वे पे, एंड बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे पता चली, और बहुत सारी चीज़ें जो है इसके बारे में बेकार है। तो आज अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बुरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एंड देन आपको डिसाइड करना है कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि लुक वाइज तो भाई ये बहुत बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस हेलमेट की अच्छाई के बारे में, राइट, एंड उसके बाद हम बात करेंगे सारे नेगेटिव के बारे में और जो भी प्रॉब्लम मेरे को आई अभी तक उन सबके बारे में। तो सबसे पहले जो सबसे बेस्ट चीज है ये है दोस्तों इसकी लुक। लुक मतलब देख ही सकते हो आप, मतलब इससे बढ़िया हेलमेट यार लुक वाइज क्या ही होगा। लेकिन इसके पीछे एक हैक है, ये अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर एक स्टिकर लगा हुआ है कि भाई डिजाइन रजिस्ट्रेशन इज पेंडिंग, मतलब कि भाई इसका जो रजिस्ट्रेशन है डिजाइन का अभी ये पेंडिंग है, स्टील वर्ल्ड ने बस लॉन्च कर दिया, और मे बी इसलिए वो इस यूनिट को अभी बना नहीं रहे हैं, और आपको आउट ऑफ स्टॉक भी देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे बढ़िया चीज है दोस्तों इसकी लुक, लुक बहुत बढ़िया है भाई, ये देखो। और यार बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे भाई आपने पहन के नहीं दिखाया, तो सबसे पहले मैं पहन के दिखाता हूँ इस हेलमेट को। तो भाई अपना चश्मा हटा देते हैं, ठीक है, और इस हेलमेट को मैं पहन के दिखाता हूँ। तो भाई ओके, तो आई होप आवाज़ में थोड़ा चेंज ना आया हो। तो भाई ये पहन लिया मैंने हेलमेट, और लुक दिखाऊँ तो भाई देखो ऐसी सी कुछ लुक है, तो देख सकते हो दोस्तों लुक लुक कैसी है, और ऐसी से कुछ लुक है। अगर मैं दोस्तों फिटिंग की बात करूँ तो फिटिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब स्टेबल है, अगर मैं ऐसे भी करता हूँ तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं हिल रहा है, और काफ़ी लाइट वेट है। तो लुक आप देख सकते हो, और सबसे अच्छी बात इसके साथ यार, इसके साथ एक ड्यूअल वाइजर भी आता है। तो ये हो गया हमारा पहला वाइजर, और इसके बाद अगर हम इसको यहाँ कर दें तो ये आपको सन वाइजर भी देखने के लिए मिलता है। और सबसे बढ़िया चीज़ दोस्तों ये देखो, इसका सन वाइजर ना पूरा आपको अच्छे से कवर करता है, ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी इस हेलमेट की। तो ये हो गया, और ये हो गया, बिल्कुल सन से प्रोटेक्शन आपकी हो जाती है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो है इसकी लुक, तो भाई लुक में 10/10 है, उसके साथ आपके सारे काफ़ी सारे फीचर भी मिलते हैं। दूसरी जो बढ़िया चीज़ लगी दोस्तों मुझे वो है इसके साथ, जो कि है ये एक फ्लिप अप हेलमेट है। अगर मुझे राइड वाइड पर जाना है, मेरे को पानी वानी पीना है अच्छे से, तो भाई आराम से इसको खोल के पी सकता हूँ, पूरा हेलमेट उतारने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यार अगर आप एक बाइकर हो, आपको पता हो कितना हैक्टिक होता है पूरा हेलमेट दोबारा से निकाल के, वो बालक अलावा वो मास्क वगैरह दोबारा पहनना कितना वो होता है। और ये देख सकते हो भाई ऐसा सा कुछ लगता है। एंड दोस्तों इट इज़ फैक्ट, जो ये मॉडुलर हेलमेट होते हैं ये फुल फेस, और आप कह सकते हो जो वन शेल में हेलमेट आते हैं उससे थोड़े कम सेफ होते हैं, दैट्स ट्रू। बाकी आप ऐसे करके इसको दोबारा से बंद भी कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये आराम से लॉक हो जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों इसके साथ आपको, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई इसके साथ आपको मिलते हैं ड्यूअल वाइजर, एक आता है स्मोक वाइजर और एक आता है वाइट वाला वाइजर। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई स्मोक वाइजर कहाँ से लिया, दोस्तों स्मोक वाइजर इसी के साथ आया था, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये जो हेलमेट मुझे पड़ा है, ये पड़ा है मुझे 1699 का, मतलब 1700 मान सकते हो आप, और उसी के साथ दो वाइजर वगैरह मिले हैं, राइट, डब्बा मिला है पूरा अच्छे से, तो आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ दोस्तों जो मेजर हाईलाइट है वो है इसका स्पॉइलर, देख ही सकते हो क्या सुंदर है, कितना सुंदर है। उसी के साथ साथ दोस्तों इसकी पैडिंग देखो यार, जो पैडिंग है बहुत बढ़िया है, राइट, और ये जो पैडिंग है ना दोस्तों, ये रिमूवल पैडिंग है, तो आप इसको यहाँ से आराम से, तो आप इसको आराम से यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, ये भी अटैच है, तो इसको आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। तो बस ये यहाँ से आराम से निकल जाता है, तो निकाल के आप वॉश कर सकते हो,
ये बहुत अच्छी है। और देखो पैडिंग भी काफी अच्छी बना रखी है यहाँ पर दोस्तों। आपको चिन पे जो है एयर जो जाती है यहाँ से, अगर आप मोटर लॉक करते हो तो यहाँ से एयर जाती है, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पर एक कवर दे रखा है। तो ये ना बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों इस हेलमेट की बहुत बढ़िया है। अब हम बात करते हैं कि इस हेलमेट के साथ क्या अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे ये पूछते थे भाई ये हेलमेट लॉन्ग टर्म में कैसा है। तो भाई अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो, मोटो व्लॉगिंग के लिए लेना चाहते हो स्पेशली, तो प्लीज़ अब ये वीडियो गौर से देखना और एक एक चीज़ें देखना, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इशू मुझे लगता है इसके साथ, बिल्ड क्वालिटी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था जिसमें हमने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी, कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए हेलमेट लेना चाहते हो, आप हाईवे राइड्स वगैरह ज़्यादा करते हो, आप हाई स्पीड पर बाइक चलाते हो, तो आई वुड से कि भाई आप इसकी तरफ ना जाकर और दूसरे हेलमेट जाएं, क्योंकि ये जो हेलमेट है इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी लाइट है। मैं एक बार एक चीज़ सुनाता हूँ आपको, ये देखो इधर से उधर बजता रहता है बस। तो दोस्तों इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना काफ़ी लाइट है, और उसी के साथ साथ इसका वाइजर देखो। ऑफ कोर्स दोस्तों मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट दोस्तों अगर हमारी वीडियो देख रहे हो और अगर आप चीज़ खरीदना चाहते हो तो आई मेक श्योर कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसका वाइजर देखो भाई, बहुत लाइट वाइजर है, ऑफ कोर्स एज पर द प्राइस सही है, ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं है भाई, प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया हेलमेट है। बट उन लोगों के लिए जो कि भाई इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, मोटो व्लॉगिंग के लिए लेना चाहते हैं, हाई स्पीड राइड के लिए लेना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। तो वाइजर की भाई क्वालिटी देखो, ऐसे ही हूँ बड़े प्यार से मुड़ जाता है ये, मुझे नहीं लगता कि क्या प्रोटेक्शन पूरा बचता है भाई हेलमेट, ये देखो मुझे नहीं पता भाई ये क्या प्रोटेक्शन देगा आपको हाईवे राइड पे। क्योंकि दोस्तों ऑनेस्टली अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस हेलमेट को कहाँ पे यूज़ करूँगा, क्योंकि मार्केट वगैरह नॉर्मल जो डेली है इसमें ही कर सकता हूँ, हाईवे राइड पे तो मैं इसको पहन के नहीं चलाने वाला। क्योंकि मैंने जब इसको यमुना एक्सप्रेस वे पे पहन के चलाया तो भाई इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा जो है नॉइस आता है, बहुत ज़्यादा जो विंड नॉइस होता है वो आता है, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए लगता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैं उसमें आपको मोटो व्लॉग वगैरह भी दिखाऊंगा करके, ठीक है, लेकिन ये वीडियो उन भाइयों के लिए है। मतलब ये देखो, मतलब ऐसी फिट एंड फिनिश है, अगेन नॉट कंप्लेनिंग दोस्तों, बट टेलिंग यू कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या देखना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों एक बहुत ख़राब चीज़ जो मुझे लगी यार वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस हेलमेट को मैंने खोला, ठीक है, और भाई यहाँ देखना आप, इसके यहाँ पे जो हुक है ना दोस्तों, ये 4 दिन में ढीले भी हो गए हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको लेते हो ऑफकोर्स आप पैडिंग वगैरह वॉश करोगे, दोबारा लगा ही ना पाओ तो क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ बहुत बेकार लगी मुझे इसकी। आई यूज़ एग्जॉर, उसको मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी बार वॉश कर दिया, कितनी बार उसके हमने पैडिंग वगैरह निकाले हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। तो विंड नॉइस का हमने बता दिया दोस्तों, काफ़ी सारा विंड नॉइस आपको देखने के लिए मिलता है, और जब आप मोटो व्लॉग करते हो तो ऑफकोर्स आपको एक क्लियर क्रिस्टल साउंड चाहिए होता है। तो ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके भी दिखाऊंगा, मोटो व्लॉग इसके साथ हाई स्पीड पे टेस्ट भी करके दिखाऊंगा बाहर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ मुझे ख़राब लगी कि भाई पहली बात अगर आप इसमें इंटरकॉम लगाते हो तो इसके अंदर पॉकेट्स नहीं दिए हैं, जो स्पेशल पॉकेट आते हैं, ठीक है, वो नहीं दिए गए हैं, बट येस। और दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ, ये जो है राइड पर ना, कि जैसे आप जानते हो मैं इसको अगर आप निकालते डालते हो तो यार यहाँ पर मेरा जो है इंटरकॉम का जो है स्पीकर लगा हुआ है, तो ये भी बाहर आ गया था, मैं इसको बाहर निकाल भी दूंगा अभी, खैर छोड़ो बाहर नहीं निकालते, बट आप देख सकते हो कितनी बुरी तरह से ये लगा हुआ है। एंड दोस्तों आई वॉन्ट से कि ये इसकी गलती है, आई थिंक जो जिसने लगाया इंटरकॉम इसमें उसको लगाना नहीं आया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार इंटरकॉम लगा कर दिखाएंगे आपको कि इंटरकॉम कैसे लगाते हैं, तो वो आपको वीडियो दिख जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ी दोस्तों वो मुझे थोड़ी अटपटी सी लगी, क्योंकि यार अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए एक हेलमेट ले रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं इंटरकॉम फिट करूँगा, अपने दोस्तों के साथ राइड पर जाऊँगा, मोटो व्लॉग मुझे करना पसंद है, तो यार ऑफकोर्स मैं इस चीज़ों को ध्यान में रखूँगा। तो एट दी एंड आई वुड से दोस्तों, अगर आप सिटी राइड वगैरह करते हैं, ज़्यादातर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं, आपको एक अच्छी लुक का हेलमेट चाहिए, यू मस्ट गो फॉर इट। मतलब इस प्राइस में ऐसे फीचर, इतनी सारी क्वालिटीज़ आपको नहीं मिलने वाली है, लुक वाइज ऑसम है। तो अगर आप ऑफिस वगैरह के लिए कंसिडर कर रहे हो, गो फॉर इट। अगर आप हाईवे राइड्स करते हो, आप ट्रैवल करते हो, आप मोटो व्लॉग करते हो, राइट, हाई स्पीड पे बाइक चलाते हो, तो आई वुड से कि यार आपको ये ना लेकर थोड़ी अच्छी क्वालिटी में जाना चाहिए। क्योंकि यार अगर आप एक अच्छी बाइक खरीद सकते हो 1.5-2 लाख रुपए की, तो ऑफकोर्स हेलमेट पर आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यार हेलमेट की कॉस्ट मतलब आपके सर की कॉस्ट, एंड आई डोंट थिंक सो कोई अपने सर की कॉस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, राइट। तो ये मेरा टेक था दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा टेक इस हेलमेट के लिए, जो मेरा रिव्यू है, मैंने इसको चलाया, मैं वृंदावन की राइड पर इसको लेकर गया था। तो ये था मेरा फीडबैक, एंड लेट मी नो कमेंट सेक्शन आपकी राय क्या है, आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उससे मिलती है बहुत सारी मोटिवेशन ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर कोई भी चीज़ रह जाती है जो आप इस हेलमेट के साथ देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। एंड हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।